अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए एक्सरसाइज 5.1 के। उसके अंदर हमने प्रॉपर डिस्कस किया कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एरिया कैसे शेड करते हैं। उसके अंदर जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए, मैंने क्लियर आपको बताया कि हर क्वेश्चन में वो सेम स्टेप्स अप्लाई होने हैं। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमें उसने दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं, एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों का अलहदा अलहदा एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं तो उसके ग्राफ भी दो बनेंगे, बट आपने एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को लिया। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास सी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 5। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वालिटी में चेंज करना होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब आपने लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वालिटी में मतलब एसोसिएटेड फॉर्म में चेंज कर लेना है तो आपने फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको वाई को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो आपने उसी लीनियर इक्वालिटी में वाई 0 पुट किया तो आपके पास एक्स आ गया 5। आपने एक पॉइंट बना लिया 5, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है, तो आपने एक पॉइंट बना लिया। सिमिलरली आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो आपको एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है, तो मैंने एक्स 0 पुट किया तो मेरे पास वाई आ गया 5, तो मैंने दूसरा पॉइंट भी बना लिया। जब आपके पास दो पॉइंट्स आ जाने तो आप ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को पकड़ना है, उसको सबसे पहले लीनियर इक्वालिटी में चेंज करो। एक्स इंटरसेप्ट निकाला उसका हमने कि वाई 0 पुट किया तो हमारा एक्स आ गया -1, हमारा पहला पॉइंट आया ये। इस लीनियर इनइक्वालिटी में से पहला पॉइंट हमने ये निकाल लिया। फिर हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। अब x को 0 के इक्वल जब पुट किया तो हमारे पास y आता है 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 2। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग पॉइंट निकालने की हमें क्या जरूरत होती है, जबकि हम ग्राफ तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल कर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर वो आपसे ये पूछता है, डिमांड करता है कि आपने एरिया कौन सा शेड करना है। तो एरिया शेड करने के लिए ही तो हमें एक्चुअली टेस्टिंग पॉइंट बताता है कि एरिया आपने कौन सा शेड करना है। अगर तो आपका टेस्टिंग पॉइंट आता है ट्रू तो अंडरस्टूड बात है कि आपने जो एरिया शेड करना है वो आप ओरिजिन की तरफ शेड करोगे, और अगर आपका टेस्टिंग पॉइंट आता है फॉल्स तो आपने जो एरिया शेड करना है, शेडेड रीजन जिसको बोलते हैं, वो आपने अवे द ओरिजिन शेड करना है। तो टेस्टिंग पॉइंट निकालने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने एरिया कौन सा शेड करना है। दोनों लीनियर इनक्वालिटीज़ के हमने पॉइंट्स निकाल लिए, दोनों लीनियर इनक्वालिटीज़ के ऊपर हमने टेस्टिंग पॉइंट अप्लाई किया तो टेस्टिंग पॉइंट भी दोनों का निकाला, तो दोनों का क्या आता है ट्रू। उसके बाद हमने इसका करना होता है ग्राफ ड्रॉ। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इनक्वालिटी थी उसका हमने ग्राफ ये ड्रॉ किया, जो सेकंड लीनियर इनक्वालिटी थी उसका हमने ग्राफ ये ड्रॉ किया। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लियर बताया कि जब आपके पास मोर देन वन लीनियर इनक्वालिटीज़ होंगी, चाहे दो हो या तीन हो, तो आपने एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं और आपने जो एरिया शेड करना होता है वो शेड करना होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसके ऊपर बाल पॉइंट रखें, इसी लाइन के ऊपर आप देखें कि इसका टेस्टिंग पॉइंट ट्रू आया या फॉल्स आया, तो टेस्टिंग पॉइंट इसका था ट्रू, तो हमने ये जो हमारी ओरिजिन है हमने ओरिजिन की तरफ हमेशा शेड करना होता है। तो जब हम इस पॉइंट पे आएंगे, इसका भी हमारा टेस्टिंग पॉइंट ट्रू था तो इट मींस कि इसकी ओरिजिन है ये, तो ये भी ओरिजिन की तरफ ही शेड होगा, तो दोनों में से जो कॉमन शेडेड एरिया था वो ये था, तो जो कॉमन शेडेड एरिया नहीं होगा उसको हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे और ना ही उसको हम किसी तरफ से जो है वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5.3 को डिस्कस करेंगे।